सुप्रभात सभी को। आज शुक्रवार का दिन हम सभी को मंगलमय हो। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास और विधि विधान से संतोषी माता की पूजा करना फलदायी होता है। ऐसा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माता का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन व्रत के साथ ही संतोषी माता के व्रत की कथा का पाठ भी करना चाहिए। माना जाता है कि कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। आइए हम बताते हैं इस व्रत के महत्व और कथा के बारे में। एक वृद्ध बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। वह पुत्र कुछ काम नहीं करता था। वृद्धा पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से भोजन नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता था, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था। बहू देखकर चुप रह जाती थी। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले तापती, रोटी बनाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया, बोला मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर रोबर से सने हाथों की थाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास ने बहू पर अत्याचार और बढ़ा दिए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। तब उसने उन स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत और पूजा के बारे में जानकारी ली, तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करने से एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई नहीं खानी चाहिए व न किसी को देना चाहिए। वक्त भोजन करना व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया, कुछ दिन बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों को बताया, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र आया, रुपया भी आया। अन्य सभी स्त्रियों ने भी श्रद्धा से व्रत करना चालू कर दिया। बहू ने कहा, हे माँ, अब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया। उसने सेठ से स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पर सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीदने ले आए, कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपया दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया कि सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखती थी। उसने अपने बच्चे को दिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे, तो बहू ने पैसा लाकर उन्हें दे दिया। बच्चे दुकान पर लाके इमली खरीद के खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन के संकल्प लिया। संकल्प के बाद वे मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास, उसका कर चुकाया जा गया है। तब वह बोली कि अब चलो घर चले। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। जैसा संतोषी